गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है, 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं, और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूँ, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपका रिचार्ज नहीं है, या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हाँ, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग डॉग लवर होंगे और अपने डॉग के लिए डेफिनेटली घर के बाहर या घर के अंदर एक छोटा सा घर जरूर बनाते होंगे। लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपने डॉग के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर नहीं बल्कि पूरा एक बंगला बना डाला। जी हाँ गाइस, और ये बंगला, ये डॉग हाउस दुनिया का सबसे महंगा डॉग हाउस भी है। ये लगभग 4 करोड़ रुपए का है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेके पार्क तक सारी सुविधाएं उस बंदे ने अपने डॉग के लिए वहां पर बनवाई हैं। उस बंदे का नाम है जुहू टेंगसा, जिसने अपने पेट डॉग सेलर के लिए दुनिया का सबसे महंगा घर बना डाला, और वो अपने पेट डॉग को बेटे के जैसा मानता था। सो गाइज, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है, और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। जी हाँ गाइस, डेथ विश कॉफी, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है, और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफी उन बच्चों को जरूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए पागलपन किसे कहते हैं, ये आप सदी के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि जब भी वो सिटअप करते थे तो वो सिटअप को शुरू से काउंट नहीं करते थे, वो सिटअप्स को तब से काउंट करना शुरू करते थे जब सिटअप्स उनकी बॉडी में पेन शुरू कर देता था। जी हाँ गाइज, वो ये कहते हैं कि इसी से ही असल में आपको आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर का पता लगता है। महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती है। गाइज, ये वाक्य सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।